अपने जीवन की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना हमारा अधिकार है, चाहे वो रक्षा दूसरों से हो या फिर अपनों से ही। घर की चार दीवारी सबसे महफूज जगह मानी जाती है, लेकिन तब क्या जब उस चार दीवारी के अंदर ही आपका दम घुटने लगे, आप पर जुल्म होने लगे, आपके अपने आप पर अत्याचार करने लगे, कहाँ जाए, किससे करे शिकायत, किससे मांगे मदद, जब अपने ही बन जाए आपके दुश्मन, ऐसे में कौन करेगा आपकी मदद। ये वो सवाल हैं जो जहन में कौंधते हैं जब आप घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। नमस्कार, संसद टीवी पर आप देख रहे हैं आपका कानून और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। घरेलू हिंसा, आपके अपने घर में आपके अपनों के द्वारा किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक आघात है। आज आपका कानून में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा प्रोटेक्शन एक्ट 2005 की। बात करेंगे 2005 से पहले घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास क्या विकल्प थे, ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के अंतर्गत कार्यवाही होती थी। 2005 में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कई नए तरीके के अधिकार महिलाओं को दिए गए। धारा 498 का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना है, जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य पीड़ित महिला का संरक्षण करना है। लेकिन बात अब सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जाती। उस घरेलू हिंसा का क्या जो पत्नी अपने पति पर करे, या माँ बाप अपने बच्चों पर अन्याय करें, या फिर बुजुर्गों पर अत्याचार हो। तो आज हमारी चर्चा का विषय यानी कि घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार भी घरेलू हिंसा में आते हैं, उसे लेकर हम आपको जागरूक करेंगे। अगर आपके पास आसपास किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है या आप खुद उसका शिकार हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको राहत मिल सकती है, कानून के संक में हम इसी पर आज बात करेंगे। तो आपका कानून किस एपिसोड में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा और आपके अधिकार, यानी कि घरेलू हिंसा है क्या, ये आपको सबसे पहले बताएंगे। घरेलू हिंसा के दायरे में कौन कौन आते हैं, क्या सिर्फ महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं या पुरुष भी भुक्तभोगी हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या प्रावधान है और घरेलू हिंसा के लिए कानून में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या अधिकार आपको दिए गए हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। एक बहुत खास पैनल स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो आप भी अपने सवाल पूछिए, जाने कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा, देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून .sansatv@gmail.com पर। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। अनुजा पेठिया हैं, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट, बहुत स्वागत है अनुजा आपका संसद टीवी में। साथ ही मेरे साथ के शर्मा हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुजा पेठिया आपसे, जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो जहन में आता है महिलाओं पर घर में होने वाला अत्याचार, लेकिन अगर मैं आज ये चाहूं कि आप दर्शकों को बताएं कि दरअसल घरेलू हिंसा जो टॉपिक है वो कितना ब्रॉड है और घरेलू हिंसा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, आपने सही पहचाना था कि पहले 498A होता था, अभी भी है, बट वो क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल सेक्शन है, जिसका मतलब कि अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो एंड रिजल्ट होगा पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड, लेकिन उससे विक्टिम को क्या फ़ायदा होता है, वो विक्टिम को रिलीफ नहीं मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनैक्ट किया, सेक्शन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में सरकार के पास पावर्स हैं कि
कि वो स्पेशल एक्ट बना सके विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, तो उसके अंदर ये एक्ट बनाया गया जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। ये काफ़ी कॉमन मिसनोमर है कि डोमेस्टिक वायलेंस में वायलेंस वर्ड आता है जिसका मतलब सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़, आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, सोशल अब्यूज़, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, ये सभी एस्पेक्ट्स डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होते हैं। एनीथिंग दैट्स प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम लिविंग योर लाइफ फुल्ली एंड हैप्पीली। बिल्कुल, तो किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक आघात जो है वो घरेलू हिंसा में आता है। के शर्मा जी, अगर हम बात करें कि घरेलू हिंसा के दायरे में कौन कौन आते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पत्नी पर या बहू पर जो अत्याचार हो रहा है वो, या घर में रहने वाली हर महिला पर किसी भी तरह का अत्याचार, आज की तारीख में जो कानून बना हुआ है तो उसमें जो डेफिनेशन है विक्टिम या एग्रीव्ड पर्सन की जो दी हुई है उसमें कानून में, उसमें वर्ड होता है वुमन। नाउ उसमें अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप के जो डेफिनेशन है उन सब को देखा जाए तो उस रिलेशनशिप में वुमेन का चर्चा डेफिनेशन में तो है, उसके अलावा रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उसमें पेरेंट्स आ सकते हैं, कोई बच्चे आ सकते हैं, बट वो डेफिनेशन क्योंकि एग्रीव्ड पर्सन में वुमेन वर्ड यूज़ किया हुआ तो उसकी वजह से जो है काफ़ी एक लिमिटेशन दिखती है ऑन द फेस ऑफ इट। बट आज की तारीख में अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक रिस्पोंडेंट वर्ड को डिफाइन किया गया था इस कानून में, उसमें रिस्पोंडेंट वर्ड में वर्ड वॉज एन एडल्ट मेल, उसको उन्होंने कहा है कि ये सेक्शन आर्टिकल 14 के खिलाफ है, विच इज आर्टिकल 14 इज इक्वलिटी। तो बाई रिस्पोंडेंट को आपने कह दिया कि वो एन एडल्ट मेल, दैट मीन्स इट अपीयर्स टू बी वेपन अगेंस्ट मेल, दैट इज नॉट द केस। दैट बींग सो सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप इन द केस ऑफ ए हीरा लाल लेडी केस में लिया है उन्होंने, और वो एक फाउंडेशन स्टोन बन जाता है आगे उसको एनलार्ज करने के लिए। बट उसके आगे जो आज की तारीख में पोजीशन है, देखा जाए हमारे पास दिल्ली है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस में एक संज्ञान लिया है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि वर्डिंग जो क्योंकि एक एडल्ट ये वुमेन है तो शायद ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उन्होंने एक केस को एडमिट कर लिया है। ये रिक्वेस्ट ये थी कि नीचे के कोर्ट में केस को खारिज कर दिया जाए, वुमन ने कहा था, बट केस डिसाइड नहीं हुआ है। इसी बीच में एक और दूसरे केस का संज्ञान लिया गया जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, वहाँ पर एक लेडी मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, शी हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट कि एक मेल भी इसका ऑपरेशन का शिकार हो सकता है, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि मेल रिस्पोंडेंट में एडल्ट मेल नहीं होगा, तो सेक्शन 14 के अंदर अब संभावना बन रही है कि इसके एम्बिट को एनलार्ज किया जाए और बाकी लोग भी जो इसके हिंसा के शिकार होते हैं उन तक इसका लाभ पहुंचे। जी बिल्कुल, वी आर स्टार्टिंग पॉइंट, अभी वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, और लेकिन हम इस पे अभी आगे और भी चर्चा करेंगे कि चाहे बच्चे हों या पुरुष हों या बुजुर्ग, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं अगर वो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें अनुजा, जो घरेलू हिंसा का जो कानून है 2005, उसके प्रावधानों को लेकर बात करें तो वो क्या कहता है, किस तरीके से महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण देता है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट काफ़ी छोटा एक्ट है, 37 सेक्शन है उसमें। उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करें सरकार ने, तो अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच करके उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो आपको गाइड करें कि आपको कंप्लेंट करनी चाहिए या फिर आपको एप्लीकेशन दाखिल करनी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 12, जिसके अंदर कोई भी जो विक्टिम है वो एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास जहाँ पर वो रहते हैं, और वहाँ पर वो उनसे ऑर्डर्स मांग सकते हैं। रेसिडेंस ऑर्डर्स होते हैं कि मुझे घर से ना निकाला जाए, अगर वह पति के घर में रह रही हैं और उन्हें वो ऑर्डर मांग सकती हैं कि मुझे घर से ना निकाला जाए और पति को रिस्ट्रेन करा जाए या इन लॉज को रिस्ट्रेन करा जाए। कस्टडी ऑर्डर्स भी पास हो सकते हैं कि बच्चों को मुझसे छीना ना जाए। कॉम्पनसेशन एंड मॉनिटरी रिलीफ होता है कि अगर आप कोई मेडिकल सिचुएशन अंडरगो कर रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस दिला सकता है कोर्ट। ब्रॉडली ये सारे ऑर्डर्स हैं। सिविल सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिविल रेमेडीज देता है विक्टिम को, ताकि आपकी जो इमीडिएट इमरजेंसी वाली सिचुएशन है उसको वो करेक्ट कर सके और आपको ज़्यादा हार्म ना हो। जी के शर्मा जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून की व्यवस्था क्या है और ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी प्रोटेक्टिव है महिलाओं के लिए, क्योंकि जब से ये एक्ट आया है कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, उनको बचाने के लिए है, उनको संरक्षण देने के लिए है। देखिए, इसके आने के बाद एक अवेयरनेस हो गई है और काफ़ी हम रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहाँ पर
लेडी पहले जो वाला जो प्रावधान के अंदर 498 में शिकायत तो कर सकती थी, पर उससे उसको भी फ़ायदा नहीं होता था। और कितनी सारी महिलाएं उनको घर से निकाल दिया जाता था, और उनको जो है जैसे बताया अभी आपको कि उसमें क्या क्या बीमारी का खर्चा नहीं मिल रहा है, बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन सब चीज़ों को देख करके आज की तारीख में उनके पास कुछ सपोर्ट सिस्टम है। ये दूसरी बात है कितनी अवेयरनेस है, कितना उसके खिलाफ दहशत है, कितना वो कारगर है, वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बट इसके आने से अगर कानून को देखा जाए, कानून में अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, वही नहीं ये एक कारगर रेमेडी सिद्ध हो, उसके लिए जो टाइमलाइंस दी हुई हैं एक्शन के लिए वो बहुत टाइट टाइमलाइंस दी हुई हैं। ऑर्डर आपका 60 दिन में होना चाहिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट का भी, प्रोटेक्शन ऑफिसर को नोटिस सर्व करने के लिए उसको पहले 3 दिन दिए गए हैं, उसके बाद उसको 2 दिन में उसको, तो ये है कि एक क्विक और इफेक्टिव रेमेडी देने के लिए कहा भी है उसके जो प्रीएम्बल में कि मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। सो जो प्लस उसका जो आधार है वो अपना वियना कन्वेंशन 1994 इसमें कहा था वर्ल्ड ओवर उन पर ऑपरेशन चल रहा है ना। एक दूसरा मुद्दा है 2005 से अब तक ऑपरेशन कितना है, क्या एक वन साइडेड है, दैट्स अ डिफरेंट इशू विच वी आर नॉट गोइंग इन टू इट। बट ये जो भी प्रावधान है ये बहुत वाइड स्वीप है और इसमें काफ़ी उनको प्रोटेक्शन मिल गया है, प्रोवाइडेड उनमें अवेयरनेस हो और वो उसके लिए अपने अधिकार के लिए जाकर के अपने या रिलेटिव के थ्रू या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास इनकी शिकायत करें। जी अरुणा, मैं चाहूँगी आप लोगों को इस तरीके से समझाएं या जागरूक करें कि जब एक महिला पर अपराध होता है घर में, कई मामलों में ऐसे केसेस दर्ज नहीं होते हैं क्योंकि लगता है कि अपनों के खिलाफ हम कैसे जाएं, उनके खिलाफ कैसे कोई केस दायर करें या उनके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएं, ये मामले दब कर रह जाते हैं। और शायद घरेलू हिंसा के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है, सिर्फ पत्नियां ही नहीं, घर में रहने वाली कोई भी महिला, चाहे वो माँ हो, बहन हो या भाभी हो, चाहे वो हिंसा भाई के द्वारा बहन पर की जा रही हो या भाभी पे की जा रही हो, ये सभी घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला है उसके क्या अधिकार हैं, उनके अधिकारों को भी इस एक्ट में काफ़ी अच्छे से परिभाषित किया गया है। जी जी, अब तो काफ़ी जजमेंट्स आ चुके हैं जिन्होंने रिकग्नाइज कराए कि एक रिलेशनशिप अगर है विच इज़ एज गुड एज अ मैरिज, मतलब इट डजेंट हैव टू बी अ मैरिज, लेकिन आपके बीच जो रिलेशनशिप है इट कैन बी कंस्ट्रूड एज अ मैरिज, आपके बीच में इस तरीके का वो है, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का आपको प्रोटेक्शन फुली मिलता है। तो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो आप बोलेंगे बेसिस है वो है शेयर्ड हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जिसमें शादी होना ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज आप शेयर्ड हाउसहोल्ड में हैं और आपकी एक रिलेशनशिप है जो एक्ट के अंदर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में फॉल करती है, वो भाई बहन की हो सकती है, वो एल्डरली पेरेंट्स की हो सकती है, वो बच्चे की हो सकती है, या फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जिनके आप लिव इन में हो, उन सभी को प्रोटेक्शन अब लॉ ग्रांट करता है। ये कई अब नाउ दिस इज अ सेटल्ड लॉ, कई हाईकोर्ट के जजमेंट्स इस पे आ चुके हैं। जी बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो घरेलू हिंसा है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि कहीं महिला किसी महिला पर शारीरिक जो है वो बल का प्रयोग करना, अत्याचार करना, बल्कि इसमें मानसिक आघात भी आते हैं। बहुत सारे पॉइंटर्स से हमने समझाने की कोशिश की है कि स्त्री धन या फिर उसकी संपत्ति से उसको बेदखल करना, घर से निकालना, उसके रिश्तेदारों को धमकी देना, उसको भोजन ना देना, उसका इलाज ना कराना, तमाम ये जो बातें हैं ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में आती हैं, यानी कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये समझने की ज़रूरत है उन महिलाओं को जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होना चाहती हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और अब के शर्मा जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और उठ रहा है इन दिनों कि क्या सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार महिलाएं ही होती हैं, क्या जो घर में पुरुष है उसके साथ कोई शारीरिक या मानसिक अत्याचार नहीं होता, और अगर होता है तो ऐसे में उसके पास क्या ऑप्शन है। सवाल एक और ये उठ रहा है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का दुरुपयोग हो रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक पुरुष अपना बचाव कैसे करे। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर उल्टे से शुरू करूंगा। लास्ट में मैंने कहा है कि पुरुष अपना बचाव कैसे करे। जी, अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसने कहा था कि ये जो कानून है ये महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बना है, पर ये मर्द के ऑपरेशन के लिए नहीं बना है। तो यानी कि जैसे पहले होता था, दूसरे कानूनों का जो है मिसयूज होना शुरू हो गया था, इसका भी शुरू हो गया है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत कर दी है कि ये ऑपरेट करने के लिए नहीं है और मर्द को परेशान करने के लिए नहीं है। तो अब कोर्ट्स ने कॉग्निशंस लेना शुरू कर दिया है कि जब इसका मिसयूज होगा तो उसका ध्यान रखा जाए। तो ये तो एक शुरुआत हुई। दूसरी बात है कि एम्बिट जो बाकी लोगों का क्या होता है,
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी रिसेंटली हमारा एक फिल्म है इंडिया की एलिफेंट विस्परर्स, उसको ऑस्कर मिला है. उसकी जो डायरेक्टर है मोंगा, उन्होंने अपने घर के बारे में पोस्ट लगाई है और बड़ा दर्दनाक प्रचरण किया है कि हमारा घर एक बड़ा नॉर्मल मिडिल क्लास पंजाबी हाउस होल्ड था. घर के अंदर बाहर हैप्पीनेस दिखती थी लोगों को, अंदर जो होता था वो बड़ा वो था. उसमें जो खास चीज़ है कि दो भाई मिलकर के ये और इनके माता पिता को पूरी तरह से टॉर्चर करते थे, सो मच होकर जलाने की भी कोशिश करी. ऐसे एक नहीं एनिकडोटल आपको हजारों केस मिल जाएंगे. आज की तारीख में मर्द छुपा हुआ अंदर बैठा हुआ है. हम ऐसे काफ़ी लोगों को जानते हैं जहाँ पर वो सारे काम कर रहा है और अत्याचार सह रहा है, इसलिए क्योंकि बाहर बदनामी ना हो जाए. तो ऐसे एक ही हाउस होल्ड नहीं, वो तो फेमस हो गए तो उन्होंने अब लगा दिया, और बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं. उसके लिए शुरुआत कानून में हो चुकी है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो डेफिनेशन है ये गलत है कि जो रिस्पोंडेंट के लिए कि मेल के ऊपर टारगेट किया गया है. तो अब जो है इसका सुधार होने की आवश्यकता है, उधर चल रहा है, कुछ कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस लिया है. बट इफ़ गिवन ए चॉइस, इफ सपोज समबडी आस्क मी व्हाट इज द सॉल्यूशन, आई वुड रिकमेंड देयर इज अनदर लॉ, उसमें है एजड पेरेंट और सीनियर सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए. अगर हम उसको, हमारी प्रेजेंट वर्तमान सरकार ने काफ़ी रिडंडेंट कानूनों को हटाया है. 2007 में वो कानून आया है, 5 में ही आया था. अगर हम केवल डोमेस्टिक रिलेशनशिप को देखें, वो बड़ी वाइड है कवर करने के लिए, पेरेंट्स को भी कवर करती है. तो अगर मान लीजिए इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए और डेफिनेशन ऑफ एग्रीड पर्सन को चेंज करके ए वूमन के बदले एक पर्सन कर दें, वी वुड हैव अचीव्ड ए ग्रेट गोल. और इसकी जो टाइम लाइन्स हैं उसमें लगा दी जाएँ, उससे जो है ये सारों को कवर कर लेगा, मेल को, फीमेल को, डोमेस्टिक सर्वेंट को, एवरीबडी, सो इंक्लूडिंग पेरेंट्स. तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी कोर्ट्स में हो गया, बट कोर्ट्स में किसी भी कानून के मैच्योर होने का वक्त लगता है. अभी पिछले 15 साल में इतना हुआ आ गया, और हो सकता है कि 20 साल बाद ये चीज़ें आ जाएँ. बट अगर एक्सपेडाइट करना है तो जो मैंने सजेस्ट किया है वो संभावना है, अगर उसके रिकमेंडेशन सोची जाएँ तो. जी, आपकी रिकमेंडेशन कह लीजिए या जो आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाना चाहिए, हो सकता है आने वाले समय में उसे ले लिया जाए. अनुजय, यहाँ पर बच्चों को लेके मैं समझना चाहूँगी कि क्या जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसमें बच्चे भी शामिल हैं? जी, अगर हैं तो कैसे? अगर आप अग्रीव्ड पर्सन हैं और आपके बच्चे हैं तो आप प्रोटेक्शन ऑर्डर्स अपने बच्चों के लिए भी सीख कर सकते हैं, और बच्चे की डेफिनेशन वही है 18 साल के नीचे जो भी बच्चा हो. सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक सेक्शन 125 भी है CRPC में, जिसमें मेंटेनेंस सीख करी जा सकती है हस्बैंड से फॉर द चिल्ड्रन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एक और एक्ट है जिसमें आप बच्चों के लिए मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं. अभी सर ने जो बताया मेन के लिए, तो एक जो एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, ये भी एक एक्ट निकला है जो सर ने बताया था अभी. उसमें अगर आप 60 साल के ऊपर हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, एल्डरली पर्सन है और आपको, आपके बच्चे आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर भी प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं. जी, तो बच्चों और एल्डरली के लिए बेसिकली ये प्रावधान. और बच्चों में चाहे वो बच्चे आपके अपने हों, अडॉप्टेड हों, बिल्कुल, या फिर लिव इन रिलेशनशिप, बिल्कुल बिल्कुल, शेयर्ड हाउस होल्ड होना जरूरी है. एज लॉन्ग एज वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, आप बच्चे अडॉप्टेड हों या कैसे भी हों, आपके रिलेटिव हों या आपके मामा के बच्चे रह रहे हों साथ में, किसी के लिए भी आप ऑर्डर सीख कर सकते हैं. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कई बार हमने केसेस देखे हैं कि जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग होता हुआ हमने देखा है, महिलाएं यहाँ पर झूठे आरोप अगर पतियों पर लगा देती हैं, या घर पर किसी बुजुर्ग पे, अपने ससुर पर लगाती हैं, या फिर अपनी सास पर लगाती हैं, ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? कि चूंकि ये उनके ऊपर उल्टा घरेलू हिंसा है, चाहे वो मानसिक ही सही. ये बड़ा कठिन प्रश्न है, और इसमें ऐसा है कि देखिए, ये जो बचाव की बात है, लॉ कानून का एक बनाना एक बात है, उसका एग्जीक्यूशन अलग बात है. हिंदुस्तान के कानून में अगर हम दूसरे देश में अमेरिका के देखें, वहाँ पे सिटिंग प्रेसिडेंट थे, उनको 3 साल हुए नहीं है, और अभी उनको लग रहा है कि शायद वो अरेस्ट हो जाएंगे, उन्होंने अप्यूज करके बोला है. यहाँ पर एक केस को चलने के बाद कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं, फाइनलिटी नहीं आती है. तो बचाव के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं, और कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस देना शुरू कर दिया है कि ये इसका मिसयूज हो रहा है. बट बचाव लेंगे, करेंगे, ओरिजिनल सिंपैथी अभी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो डेफिनेशन में ही एक वूमन से शुरू होता है, डेफिनेशन ऑफ एग्रीड पर्सन. तो इस कानून में आज की तारीख में बाकी लोगों का कितना कवरेज है, नहीं है, वो कोशिशें चल रही हैं, लोगों ने केस फाइल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है कि उसको थोड़ा सा एनलार्ज किया है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है. बट ये अभी क्वेश्चनेबल है, जैसे लॉ मैच्योर होता है टाइम लगेगा. तो आज की तारीख में तो बचाव वही है कि वो अपने को करें, बट जाकर के अपना पक्ष पेश करें. बट अभी भी मैं कहूँगा कि
ये इतना सक्षम नहीं है कि उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सके, जैसे दूसरे केस में हुआ, डाउरी एक्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, पहले जो था कि इमीडिएटली अरेस्ट कर लेंगे वो बंद हो गया, तो यहाँ भी अभी उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे लगता है अनुजा आप भी देना चाहती हैं कि अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कैसे जो अगला पक्ष है वो अपना बचाव करेगा। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से इस सवाल का जो प्रिमाइस है उसमें ये दुरुपयोग तब होता है जब आप गिल्टी प्रूव हो जाएं और आपने कुछ करा ना हो। जब अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल होती है तो सबसे पहले तो ये सिविल एक्ट है, सिविल लॉ है। अगर आप कोई ऑर्डर का वायलेशन नहीं करते तो इसमें इम्प्रिजनमेंट का या फाइन का सवाल ही नहीं उठता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो आप कोर्ट जाएँ, अपने आप को डिफेंड करें अगर आपने कुछ गलत नहीं करा है। और अगर आप इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं तो फिर आप डेफेमेशन के लिए फाइल कर सकते हैं, आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए फाइल कर सकते हैं, आप डैमेजेस के लिए रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अक्यूज्ड को कैसे बचाया जाए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बिल्ड कर लेंगे जिससे एडजुडिकेशन एक्चुअली 60 डेज में हो जाए तो विक्टिम के लिए बेनिफिशियल है और अक्यूज्ड के लिए भी बेनिफिशियल है। तो मतलब मेरा मानना है कि ये लॉ जो है ये सिंपथी पे बेस्ड नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। हर लॉ स्टैटिस्टिक्स और लॉजिक पे बेस्ड होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स सिंपली ये कहता है कि जो विक्टिम्स हैं उसमें मोर देन 80% महिलाएं होती हैं, इस वजह से ये लॉ निकाला गया। और अब हम एज अ सोसाइटी इस लेवल पे प्रोग्रेस कर चुके हैं जहाँ पे आई थिंक एवरी लॉ शुड बी जेंडर न्यूट्रल, बट डजंट मीन दैट वीमेन आर मिसयूजिंग इट, दे आर एक्चुअली विक्टिम्स, दैट्स इट्स अ स्टैटिस्टिक, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। बिल्कुल, और आपकी बातों के बाद मुझे लगता है के शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। सर बताइए आपका कमेंट। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऑफ ओपिनियन है, बट अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समटाइम्स प्रोसेस इटसेल्फ इज मेड अ पनिशमेंट। नाउ बड़ा अच्छा सुनने में अच्छा लगता है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर जो बुजुर्ग लोग हैं 87, 81, आई नो मैनी केसेज पर्सनली हमारे पास आते हैं, जो 89 का आदमी है आज उसके साथ अत्याचार हो गया, तो उसको जब वो जाकर लीफ लेगा 20 साल बाद तो वो रहेगा, उसकी आत्मा लेगी, मुझको नहीं पता। तो प्रोसेस बिकम्स अ पनिशमेंट इटसेल्फ। तो आज उनको आप जो हैं उनके खिलाफ ऑर्डर ले लीजिएगा, उनके पास पैसा नहीं है, और बताइएगा उनके पास बहुत सारी रेमेडी हैं, उनके पास पैसा है क्या वकील को हायर करने के लिए? तो ये बहुत ही मूट क्वेश्चन हैं और कहने में अच्छे लगते हैं, बट क्रियान्वयन में कितने अच्छे होंगे मुझे डाउट है। बिल्कुल, अनुजा बताइए। इसमें मेरा दो मेरा व्यू है। सबसे पहले ये कि देखिए, मिसयूज़ हर लॉ का होता है। अब फॉर एग्जांपल हमने वी हैव कम अक्रॉस केसेस जहाँ पे 376 है जो रेप का सेक्शन है उसका ही मिसयूज़ हुआ है, बट यू कांट रिमूव इट फ्रॉम द स्टैट्यूट जी। और सिमिलरली एनी अदर, आप थेफ्ट ले लीजिए जो जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है, ऑफेंस है, अब उसमें किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगे हैं चोरी के, पर आप उसे हटा नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप एडजुडिकेशन फास्ट करिए ताकि दोनों विक्टिम और अक्यूज्ड के लिए रिलीफ रहे और फेयर प्रोसेस रहे। तो दैट्स व्हाट माय व्यू इज। बिल्कुल, घरेलू हिंसा कानून को कहीं से भी ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये महिलाओं के बहुत ज़्यादा हक में है, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। महिलाओं के अधिकारों का जिस तरीके से हनन और एक लंबे समय से जो घरेलू हिंसा के शिकार हमारी महिलाएं होती आईं, इस कानून की दरअसल ज़रूरत थी। लेकिन अब चूंकि ऐसे मामले देखने में आए हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, सवाल ये भी है कि अगर पुरुष पर घरेलू हिंसा होती है, बच्चे अगर उसका शिकार होते हैं, या फिर बुजुर्गों को लेकर उनके साथ अत्याचार होता है, तो उसमें उनके लिए भी मजबूत ऑप्शंस रखे जाएं ताकि वो अपना बचाव कर सकें और किसी भी माध्यम से कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही, लेकिन इस चर्चा को आगे हम बढ़ा सकते थे, वक्त की कमी है। आज के अंक में इतना ही, लेकिन हमेशा याद रखिए कि चुप्पी तोड़िए, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अन्याय करना तो गलत है लेकिन अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप कहा जाता है। इसलिए जागरूक बनिए, अपने अधिकारों को जानिए। देखते रहिए आपका कानून संसद टीवी पर। नमस्कार।